समेत में नूपुर के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय समेत एशियाई गिरफ्तार, वीजा रद्द कर निर्वासन केंद्र भेजे गए प्रदर्शनकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे दिल्ली, एमपी में महापौर उम्मीदवारों की सूची में फंसा पेच, दिल्ली में क्राइटेरिया तय होने के बाद आएगी सूची। गोरिल्ला में कांग्रेस के संकल्प शिविर में फूटा कार्यकर्ताओं का गुटखा, कहा पार्टी में कोई पूछ परख नहीं, कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर लगाया उपेक्षा का आरोप। इंदौर में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, आजाद नगर थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। और मध्य प्रदेश ने किया कमाल, मलखम में 12 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन, युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। कुवैत के फाहिल इलाके में जमा होकर ये लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भारी पुलिस बल वहां पहुंच गया। इन सभी को ट्रक में भर कर ले जाया गया। कानून के उल्लंघन के आरोप में इन सभी के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और निर्वासन केंद्र भेज दिया गया है। आपको बता दें, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ फाहिल इलाके में प्रदर्शन करने वाले भारतीयों समेत सभी अप्रवासी एशियाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। कुवैत की एक खबर है जहां भारतीय समेत कई एशियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और कारण था नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। नूपुर शर्मा ने जिस तरह की पार्टी से रिलेटेड बातें कही हैं, उससे संबंधित लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है और ये नाराजगी सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी है। कुवैत में दरअसल नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था और उन प्रदर्शनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में लगातार 2 दिन मंथन के बाद नाम तय कर लिए हैं। हालांकि महानगरों के नामों पर सहमति नहीं बनने से सूची अटक गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे, बीजेपी के अब सोमवार को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की बात भी कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार इंदौर में रमेश मेंदोला, जिन्होंने महापौर का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने वाले हैं क्योंकि अभी भी बीजेपी ने अपने भोपाल महापौर का नाम सामने नहीं लेकर आए हैं बीजेपी पार्टी, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, दिल्ली जाने के पीछे शिवराज सिंह चौहान का क्या कारण हो सकता है, ये तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं न्यूज एडिटर खबर भारत से राजेंद्र कानूनगो। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे शिवराज जी का दिल्ली जाना, तब जबकि इस वक्त सभी की निगाहें उस प्रत्याशी के नाम पर टिकी हुई हैं जो अभी तक नहीं आया। देखिए क्रांति जी, अभी स्थिति ये है, कांग्रेस ने तो लगभग अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, रतलाम को छोड़ करके। रतलाम में उनकी कोई परिस्थिति ऐसी चल रही है जिस पर कि वो विचार विमर्श उनका चल रहा है, वो नाम अभी घोषित नहीं हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी की स्थिति जो है वो अभी फिलहाल चिंताजनक लग रही है और बीजेपी ने अभी कोई भी नाम जो है घोषित नहीं किए हैं आधिकारिक रूप से। चर्चाएं बहुत चल रही है कि ये नाम पूरे फाइनल हो गया है करीब करीब और ये हो गया, इस टाइप के नाम जरूर सामने आ रहे हैं लेकिन घोषणा अभी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी दल है, इसमें जो है वो इस प्रकार के जो लोग हैं जो मांग कर रहे हैं टिकट की, उनकी संख्या ज्यादा होने से एक स्थिति वो हो रही है चिंताजनक। दूसरा जो है, कुछ शहर ऐसे हैं खास करके भोपाल और इंदौर, इन नामों पर अभी सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है कि जिन नामों को आगे बढ़ाया जा रहा है या जिन पर सहमति ली जा रही है वो प्रत्याशी खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इंदौर में रमेश मेंदोला जो है वो चुनाव लड़ने तैयार नहीं है, भोपाल में कृष्णा गौर का नाम आगे बढ़ रहा है लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि गोविंदपुरा सीट उनकी चली जाएगी और इसके बाद अगले उनकी स्थिति क्या बनेगी ये उनको पता नहीं है।
तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए वैसे ये बड़ी कहना चाहिए ऐसी बात है जिसको किसी को हजम नहीं होगी कि महापौर जैसे जो चुनाव के लिए दिल्ली में फैसला हो, तो ये बीजेपी की एक प्रकार से जो लोकल नेताओं की जो यहाँ की कैपेसिटी है या जो उनकी क्षमता है उस पर प्रश्न लग रहा है कि वो महापौर के नाम तक तय यदि नहीं कर पा रहे हैं, पार्षदों के नाम तय नहीं हो पा रहे हैं और उसके लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को, तो ये स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल। और जिस तरह से इसके बाद भी जो है अब देखा जाएगा कि दिल्ली से कौन से नाम बनकर के तय होकर के आते हैं और वो लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, क्योंकि दिल्ली हाईकमान का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। और जिस तरह से अगर आप बात कर रहे थे कि चुनाव लड़ने की तैयार नहीं हो पा रहे हैं कुछ लोग, उनमें से एक नाम इंदौर के रमेश मेंदोला का भी सामने आया है जिन्होंने महापौर का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जी, क्रांति जी, इंदौर का और भोपाल का भी जो है वो कृष्णा गौर का नाम आगे बढ़ाया जा रहा था और उन्होंने भी जो है वो अनिच्छा व्यक्त की है कि मैं महापौर का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो ये दोनों की खास करके बड़े शहरों की ये स्थिति है और इसी कारण से मुख्यमंत्री को दिल्ली की यात्रा करना पड़ रही है। वो अमित शाह जी से मिल करके और इसको कुछ नाम को तय करवाएंगे कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और किसको चुनाव लड़ना है ये कुछ तय करें। जी बिल्कुल सही। और अगर इस बीजेपी के प्रत्याशी के नाम के सामने ना आने की अगर मैं बात करूं और कांग्रेस का नाम सामने आ गया है, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और बीजेपी के प्रवक्ताओं से, तो बीजेपी का कहना ये है कि हम देर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक उचित नाम की तलाश है। कांग्रेस की बात अगर की जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि इसमें देर किस बात की, अगर सही प्रत्याशी आपके सामने है तो सही समय पर सही नाम सामने आ जाना चाहिए था, जैसा कि कांग्रेस ने किया। तो ये जो उधेड़ बुन चल रही है बीजेपी के अंदर, इसको क्या माना जाए, क्या लोगों का इनकार किया जाना? जी इसको दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। एक तो अंदरूनी इनकी जो है वो कला है जिसको कहना चाहिए जी कि वो उपस्थित मतलब तय नहीं हो पा रहे नाम। दूसरा जो है वो जो नाम ये तय कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं उसके अंदर भी राजनीति है, क्योंकि यदि महापौर के चुनाव के लिए रमेश मोंदला और कृष्णा गौर यदि तैयार हो जाते हैं तो ये राजनीति के तहत इनके नाम आगे बढ़ रहे हैं और इनको यदि महापौर का प्रत्याशी बनाया जाता है बीजेपी द्वारा तो इनकी सीट जो है वो फिर खतरे में पड़ जाएगी और आगे के लिए इनका भविष्य का जो है विधायकी इनकी कहाँ से इनको मिलेगी टिकट ये कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए ये दोनों तय नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीज जो है सामने आ रही है और इसी की हल निकालने के लिए ही सीएम जो है दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। सुखबुगाहट ये भी है कि क्या भोपाल में पार्टी तय नहीं कर पा रही है, क्या सीएम अपनी पार्टी के साथ मिलकर नाम तय नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है। विपक्ष को तो मौका चाहिए और शायद दिल्ली जाने के बाद ये मौका उनको मिल गया है बोलने का। बिल्कुल, विपक्ष बोलेगा, तंज कसेगा निश्चित रूप से, क्योंकि विपक्ष अपने नाम घोषित कर चुका है, उसके खाते में सिर्फ रतलाम को छोड़ के बाकी सब टिकटें वो बता चुका है विपक्ष के हमारे ये प्रत्याशी है और इन्होंने अभी तक क्राइटेरिया ही बनाना चालू रखा है कि अभी हमारा क्राइटेरिया बन रहा है, हम किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको वो करेंगे। अभी कांग्रेस ने एक घोषणा और की है कि जो जिस वार्ड का निवासी है उसी वार्ड से उसको प्रत्याशी बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नई नई पहल इसमें क्या करती है बीजेपी, कहाँ से ये लाइन चलती है कि नहीं चलती है ये अभी कर्त में है, अभी कह नहीं सकते इसमें क्या स्थिति बनेगी। बिल्कुल, शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमारी चर्चा हो रही थी दर्शकों, वाकई ये एक कश्मकशी बरकरार है क्योंकि जनता के ऊपर पूरा दारोमदार है, तो देखना ये होगा कि वो कौन सा नाम हो सकता है बीजेपी की तरफ से जिस पर जनता भरोसा कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से विभा पटेल है और बीजेपी की तरफ से वो नाम आना अभी भी बाकी है जिसको लेकर शायद सीएम का दिल्ली दौरा होगा।
और इसी के साथ अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो गोरेला पेंड्रा मरवाही से है। यहाँ पर कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया है, जहाँ जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, जिला संगठन प्रभारी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम रखा गया था। कार्यकर्ताओं ने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने नेता के सामने जमकर इस बात को रखा। खुले मंच में आयोजित इस संकल्प शिविर में प्रदेश सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को जमकर कोसा गया। कार्यकर्ताओं ने संगठन के जिला अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया और कहा कि पहले के जिला अध्यक्ष और अब के जिला अध्यक्ष में काफी परिवर्तन आ गया है। संकल्प शिविर है, उसमें कार्यकर्ताओं की बातें सुनना हम लोग की जवाबदारी है और कुछ नाराजगियाँ रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, काम हुआ नहीं हुआ, वैसे जिले का निर्माण होना या तहसीलें बनना, संभाग आपका अनुभाग बनना, इसके साथ साथ पूरे लगभग रोडों का निर्माण होना और बहुत से ऐसे निर्माण विकास कार्य हुए हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जब पार्टी किसी की सरकार आती है तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि समय समय पर नहीं हो पाती तो नाराजगी स्वाभाविक होती है, लेकिन उसके बाद भी ये जिले का बहुत विकास हुआ है। प्रदेश में बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं, बहुत से ऐसे निर्माण विकास के कार्य हुए हैं, बहुत सी तहसीलें, आपका अनुभाग, जिले इस प्रकार से तेजी के साथ काम हुए हैं, सड़कों के निर्माण हुए हैं। तो अभी जो आपका नव संकल्प शिविर जो उदयपुर में हुआ था, उसके बाद हमारा प्रदेश में एक और दो तारीख को और अभी जिलों का चल रहा है, तो आज गोरेला पेंड्रा मरवाही का हुआ है, इसके बाद हमारे कोरबा का भी होगा, जांजगीर का, मेरा प्रभार जिला, बिलासपुर का प्रभार जिला, सभी जगह हम लोग शिविर में जाएंगे। और अब खबर इंदौर से, जो मानवीय संवेदनाओं को आहत कर रही है। कलयुगी बेटे ने अपनी मां के कहने पर पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर मां के कहने पर एक बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। वो तो भैया उनका तो रोज का काम था, उसको एक टाइम रोज मारते थे। वो शाम को शराब पी के आता था तो माँ उसके बेटे से रोज उसको मार खिलाती थी। कौन मारता था? उसका छोरा ही, उसकी पत्नी मार खिलाती थी उसको हमेशा, मतलब रोज का काम। मोहल्ले वाले भी सब इतने तंग आ गए थे, आखिर में उन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया, पिक्चर ही उसकी ख़त्म कर दी बेचारी। रोज मारते थे, रोज डेली। क्या कारण था मारने का? वो शराब पी के आए तो मारे उस, नशा करते। हाँ, तो शाम को दिन भर काम करता था, शाम को पी के आता था, तो ये बस कि पी के क्यों आया। रोज उसको, रोज कभी रिलायंस के पार्क से मार रहे, कई एक बार तो क्या क्या चाबी दी, सर सर में खूब मारी उसको, और ये अभी परसों के रोज चाकू मार दी। क्या करते थे? वो इधर भंगार की दुकान पे ड्राइविंग करता था, लोडिंग गाड़ी चलाता था। संजय। आप कौन भाई है? हाँ, मेरा छोटा भाई। मैं तो इसी कारण रहता हूँ कि इनके विवाद होते थे, मेरे से देखा नहीं जाता था। आज मैं अगर होता तो मैं भी उलझ जाता, कई बार उलझ गया मैं इनके चक्कर। उसकी औरत ने कई बार मेरी रिपोर्ट लिखा दी झूठी झूठी, बाकी उसकी औरत इतनी थाने में फेमस है कि उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखते थे, कि बोले साली तू ही बदमाश है, वो तो आदमी सीधा है। मेरे बारे में कई बार उनने कंप्लेन करी, बाकी कभी एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों। तो मैंने इस कारण वहाँ मोहल्ला ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं वहाँ होता, मेरे भाई को मारते तो मेरे से देखा नहीं जाता, बीच में कूद जाता मैं भी, तो मैं भी उलझ जाता। और चलिए अब हम इस पर चर्चा करेंगे, जिस तरह से वाकई ये एक विचारणीय खबर इसलिए है क्योंकि रिश्तों को तार तार करती ये खबर है, जहाँ एक माँ के कहने पर बेटा अपने ही पिता की हत्या कर देता। आखिर क्या कारण हो सकता है और पुलिस जांच में कहां तक आगे बढ़ी, ये हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे ब्यूरो हेड खबर भारत के लिए जहीन गौरी खान, जो ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। जहीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहीन, बेटे की उम्र क्या रही होगी, क्या कारण सामने आए, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? मैं
क्रांति प्रिया आपको बता दूं, इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में मां के कहने पर एक कलयुगी बेटे ने अपने जो है पिता को जो है इतने चाकू से वार किए कि वो मौत के घाट उतार दिया। वह रोज शराब पीकर आता था और पत्नी को हम्माली के रुपये नहीं देता था। ऐसी बात सामने आई है कि मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। वहाँ पर रहने वाले शांति नगर में यह घटना घटित हुई है। मृतक विजय पिता प्यारे लाल को घटना अवस्था से MI अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, जो उम्र की बात की जाए बच्चे की, तो बच्चा जो है बालिग है, लेकिन जो माँ के कहने पर जो है उसने पिता को मौत के घाट उतारा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंदौर से सामने आई है, जिसको हम आपको बता सकते हैं। जी बिल्कुल, जांच कहां तक पहुंची, क्या बात निकल कर आई है, आखिर क्या कारण हो सकता है, माँ ने क्यों कहा अपने ही बेटे को, अपने ही उसके ही पिता को मारने के लिए। आपको बता दूं कि विजय आजाद, यह आजाद नगर थाना क्षेत्र का मामला है। विजय के भाई संजय ने बताया कि उसका भाई विजय जो है वो भंगार का काम करता था, परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी दुर्गा बाई उससे रोज अपने बेटे से मार खिलाती थी और हम्माली के पैसे छीन लेती थी। शाम को जब वो विजय भंगार से घर लौटा, तब शराब के नशे में होने के कारण दुर्गा बाई ने अपने बेटे रोहित को बुलाया और मारपीट शुरू कर दी। बेटे रोहित ने जो है इतनी मारपीट की जिससे वो गंभीर अवस्था में घायल हो गया। उसे MI अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। अब फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कलयुगी बेटे को तलाश कर रही है, मामले की जांच करके उसको गिरफ्तार करने की बात कहती नजर आ रही। लेकिन इस तरीके की जो घटना है, ये पैसे को लेकर पूरा मामला जो है सामने आया है, जिसको लेकर ये घटना घटित हुई है। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि अभी तक आरोपी बेटा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। निश्चित तौर पे पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जल्द ही पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर लेगी। लेकिन जो कलयुगी बेटा है उसने अपने माँ के कहने पर मौत के घाट उतारा, उसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन इस तरीके की जो घटना है इंदौर में थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन यहाँ पर इंदौर में इस तरीके की चाकूबाजी की घटना होती है और उसमें जो है नाबालिगों का नाम ज्यादा आते हैं। नाबालिग और युवा वर्ग के जो बच्चे हैं वो इंदौर में जो है अपराध की जो श्रेणी है उसका ग्राफ बढ़ा रहा है कमिश्नरी लागू होने के बाद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहीन जुड़ने के लिए। और जिस तरह से जहीन गौरी खान हमारे ब्यूरो हेड खबर भारत की जानकारी दे रहे थे कि बच्चा अभी भी, जिसने हत्या की है वो अभी भी फरार चल रहा है, पुलिस लगातार जांच कर रही है, जांच के बाद ये बात सामने आएगी कि आखिर वो क्या कारण रहे होंगे कि एक माँ ने बेटे को पिता की हत्या करने के लिए विवश कर दिया। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की, जहां मलखम खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश की टीम ने 12 पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि पर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी टीम के मेंबर्स को बधाई दी है, कोच को बधाई दी है। बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार मलखम को शामिल किया गया और पहली ही बार में मध्य प्रदेश चैंपियन बन गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मलखम में मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना है। उसने 5 स्वर्ण पदक, जिसके साथ ही कुल 12 मेडल जीते हैं। उज्जैन के खाचरौद के रहने वाले 18 साल के युवा खिलाड़ी पंकज गर्गमा ने 5 में से 3 गोल्ड अपने नाम किए। वे प्रदेश के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने खेलो इंडिया में एक दिन में 3 गोल्ड जीते हैं। पंकज ने पोल, रोप और ओवरऑल तीनों में 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। आपको बता दें, हम पंकज की बात कर रहे हैं जिन्होंने पोल, रोप और ओवरऑल, अगर इन तीनों कैटेगरी की बात की जाए तो 10 में से 9.10 अंक प्राप्त किए हैं। और खेलो इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें खुशी की बात कि पहली बार मलखम मैदान में उतरा और पहली बार ही इस शानदार प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों ने, या कहा जाए प्रदर्शनकर्ताओं ने, सोना यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।